आप सभी का फिर से एक बार मैग्निट माइंड क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस के टॉप 5 क्वेश्चन। अगर डे की बात करें तो हम लोग डिस्कस करेंगे डे 19। देखेंगे डे 19 के टॉप 5 क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त न किया जा सके। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्या लिखा हुआ है, पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके। तो कौन सा होता है, वास्तविक होगा, साधारण होगा या फिर आभासी होगा। तो इसको आप जान लें कि जो पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है वह प्रतिबिंब वास्तविक होता है, वास्तविक के साथ साथ वस्तु से छोटा होता है तथा उल्टा होता है। तीन बातें बताई, वास्तविक होगा, छोटा होगा तथा उल्टा होगा। परंतु जो हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क उस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा समझ लेता है। यहाँ का जो आंसर होगा कि जो प्रतिबिंब हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं वो कैसा प्रतिबिंब होता है, वो होता है आभासी प्रतिबिंब। सेकेंड क्वेश्चन, कोशिकी क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है, माइटोकांड्रिया है, केंद्रक है या फिर राइबोसोम है। तो कोशिकी क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला जो अंग है उसे हम लोग केंद्रक कहते हैं। बात करें राइबोसोम को, तो राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तथा इसकी जो खोज की गई थी, वो बर्जीलियस के द्वारा की गई थी। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे कि राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है तथा इसकी जो खोज की गई थी वो बर्जीलियस के द्वारा की गई थी। थर्ड क्वेश्चन, डेनियल सेल में विद्युत अपघट्य कौन सा होता है, NaOH, इसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, KOH, इसे हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं और CuSO4, ये होता है कॉपर सल्फेट। यही हमारा डेनियल सेल का विद्युत अपघट्य होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा CuSO4। क्वेश्चन नंबर 4, वृद्धावस्था में जो उत्पन्न होने वाला दोष कौन सा होता है, जरा दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है या फिर दूर दृष्टि दोष होता है। तो अगर बात करें दूर दृष्टि दोष के लिए या फिर निकट दृष्टि दोष के लिए, तो इसके लिए जिस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो निकट के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया है कि वृद्धावस्था में जो दोष होता है उस दोष को हम लोग क्या कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। आज की टेस्ट सीरीज का पांचवा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है कि ऊर्जा का अणुवीकरण स्रोत क्या होते हैं। तो इसको समझ लीजिए कि अणुवीकरण वे स्रोत होते हैं जो पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते, अणुवीकरण स्रोत कहलाते हैं। इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा पेट्रोल हमारा ऊर्जा का अणुवीकरण स्रोत है। ये थे आज के टेस्ट सीरीज के टॉप 5 क्वेश्चन। धन्यवाद।